अरहल में वाटर पार्क का हुआ शुभारंभ। 2022 में बनेगी सपा की सरकार। पूर्व राज्य मंत्री करहल कस्बे के मैनपुरी मार्ग बाईपास पर संचालित वाटर पार्क एवं स्विमिंग पूल का पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। सपा नेता पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव ने इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र के युवाओं को इस आधुनिक वाटर पार्क एवं स्विमिंग पूल में तैराकी सीखने का पूरा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा तैराकी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उन्होंने कहा संपन्न होने जा रहे पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थक अधिकांश मात्रा में ग्राम प्रधान एवं जिला पंचायत सदस्य जीत कर आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। आयोजक ब्रजेश यादव ने पूर्व राज्य मंत्री का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नीरज यादव, पूर्व सभासद सनी यादव, ब्रजेश कुमार यादव, मिंटू यादव, संजीत कुमार यादव, राजीव यादव, अनुराग, विनय यादव, प्रदीप यादव, उमाकांत वातम, विवेक पांडे आदि मौजूद रहे। आज है जो किसका उद्घाटन है आज आपके कर कमलों से किया गया है? इसका वाटरफॉल का किया गया आज रिसोर्ट में। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ 2-4 जिले में ऐसी व्यवस्था कहीं है नहीं। जिस तरह से पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप पंचायत चुनाव? उसमें समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत के आएगी। क्या पूरी बाजार में सही 400 बंद थी, आज सड़कों की पुलियां टूटी है, क्या कहेंगे आप? इस सरकार में कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं, कहीं भी नहीं हुआ। 4 साल सारी व्यवस्था खराब है। आज सरकार के 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो वो विकास का पुलंदा बता रहे हैं कि हमने जे विकास करे हैं। पूर्ण विफल है, कोई विकास कार्य नहीं है, जिस पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। विमोचन को आप जहाँ कुछ भी अपने हाथ मियाँ मिट्टू भैया हैं। और ये प्राकृतिक चीज है जो भी है, माइक लगाऊंगा माइक, और बनाया भी अच्छा है। घूमने में कितनी देर में आप नीचे महसूस होता है, बाद में अच्छा लगता है। कितनी देर में आप नीचे आ गए? मतलब जब तक मैं सोच पाया तब तक नीचे आ गया। मतलब एंजॉय महसूस हुआ? हाँ, अच्छा लगा, आनंद आया आपको? हाँ, अच्छा आनंद आया, बढ़िया। जिले में आसपास कहीं तो है नहीं? नहीं, जिले में शायद मेरे दिमाग से इटावा मैनपुरी तो फिलहाल है नहीं।